हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हस्मिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सोया चाप बिरयानी की रेसिपी। और आज की इस रेसिपी को मैं बनाने वाली हूँ हांडी में। तो मैंने आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर कराई कि कैसे आप हांडी में इजीली बिरयानी बना सकते हैं, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करे। और हाँ, इस वीडियो में यूज़ करें सभी इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 ग्लास लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। ये एजेड राइस है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी पुराना चावल ही ले। इससे जो चावल है वो खिला खिला बनता है और काफी खुशबूदार होता है। तो सबसे पहले हमें इसे 2 से 3 बार धोना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े बोल में इसे ट्रांसफर कर दिया है और 2 से 3 बार अच्छी तरह धो लिया है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह धो लिया है और इसे ढककर रखेंगे 15 मिनट के लिए। देख सकते हैं चावल अच्छी तरह भीग गए हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया एक बड़ा पतीला जिसमें डाला है 2 लीटर पानी। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है 2 तेज पत्ते, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग और 1 फूल चक्र। अभी खड़े मसाले डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने भिगो कर रखे थे। फिर इसमें डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून। इस स्टेज पर नमक डालना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो जो चावल है वो बहुत ही फीके फीके रह जाएंगे। फिर इसमें डालेंगे नींबू का रस 1 टीस्पून। नींबू का रस डालने से ये होगा कि जो चावल है वो काफी वाइट दिखेंगे और खिले खिले बनेंगे। और अब एक अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। और बिरयानी में जो चावल है वो हमें 70-80% ही पकाना होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब आप देख सकते हैं चावलों में बढ़िया सा बॉईल आ गया है। और आप देख सकते हैं चावल सिर्फ 70% ही पके हैं। हमें इतनी ही चाहिए क्योंकि जो बाकी का चावल है वो दम में पकेगा। अगर आप इसी स्टेज पर चावलों को पूरा पका देंगे तो बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अब चावलों को छान लेते हैं और एक बड़े से बोल या कोई बड़े बर्तन में से निकाल लेते हैं। तो हमारे चावल तो बॉईल हो गए हैं। अब बना लेते हैं बरिस्ता, जो कि होगा हमारे बिरयानी का वन ऑफ द मेन एलिमेंट, बरिस्ता यानी कि ब्राउन अनियन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल लिया है और साथ ही में लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा एंड पतला पतला काट लिया था। कोशिश करिए कि जो प्याज है वो काफी बारीक कटा हो। अब तेल हो चुका है गरम, तो इसे हाथों से इस तरह रब करते हुए तेल में डाल देंगे ताकि इसकी जो एक एक लेयर है वो अलग अलग गिरे तेल में और जो हमारे ब्राउन अनियन है वो इवनली ब्राउन हो पाए, तभी तो खाने में अच्छे लगेंगे। और इसे लगातार स्टर करते हुए ही पकाएं ताकि इवनली ब्राउन हो सके। और 3 से 4 मिनट बाद प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं अभी जो शेड है ना वो थोड़ा लाइटर शेड है क्योंकि जो प्याज है वो अपनी हीट पर और ज्यादा पकेगा। तो कोशिश करिए आप भी इसी स्टेज पर निकाल दें। चलिए इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो चलिए बरिस्ता तो बनकर तैयार है। अब देख लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस बिरयानी, जो कि है सोया चाप। मैंने यहाँ पर लिए 7 से 8 फ्रोजन सोया चाप। इसे मैंने गुनगुने पानी में 7 से 8 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। उस गुनगुने पानी में मैंने डाला था 1 टीस्पून लेमन जूस और साथ ही में डाला था 1 टीस्पून नमक। और अगर आप भी फ्रोजन चाप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे 7 से 10 मिनट के लिए जरूर गुनगुने पानी में भिगो कर रखें। तो चलिए एक एक चाप की जो स्टिक है वो अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर सभी की स्टिक्स अलग कर ली है। अब चलते हैं फ्राई करने की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही तेल लिया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई करा था। अब एक एक करके सभी सोया चाप को डाल देंगे और सोया चाप को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जब हम चाप को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये अच्छी तरह फूल जाती हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी बनती हैं, तो आप भी इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। यहाँ पर मैं सोया चाप को हाफ डन कर निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे पूरा पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद एक बार फिर से फ्राई करूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर हाफ डन कर रही हूँ। इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि जो खाने में आसानी रहे। और एक बार फिर से इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि ये सुपर क्रिस्पी हो जाए और अच्छी तरह पक जाए।
अब आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट बाद ये अच्छी तरह पक गई और सुपर क्रिस्पी हो गई है। इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। और अब चलते हैं मैरिनेशन के प्रोसेस की तरफ। सो चाप को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे चाप जो मैंने फ्राई करी थी। लेकिन ये जो चाप है मैंने 5 मिनट के लिए पहले ठंडी होने दी है, फिर ही ट्रांसफ़र करी है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है और कितनी अच्छे तरीके से पकी हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ वेजीज, ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सब्जियाँ ज़रूर डालें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाली है 1/4 कप कटी हुई गाजर, 1/4 कप हरी शिमला मिर्ची, 1/4 कप पीली शिमला मिर्ची। इन दोनों को ही मैंने डाइस्ड कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पर डाले हैं 1/4 कप हरे बीन्स और फिर इसमें डालेंगे बरिस्ता। ये जो हमने प्याज फ्राई करे थे ये वही हैं, इस वक्त हम थोड़े से ही ऐड करेंगे, बाकी के हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। बरिस्ता ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाला एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। साथ ही में डाल देंगे हैंडफुल ऑफ हरा धनिया एंड पुदीना। फिर इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। ये मैंने फैटी हुई दही ली है और ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी हो तो उसमें आप दूध मिला लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है लाल मिर्ची का पाउडर 2 टीस्पून। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करा है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। फिर इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून। फिर मैंने इसमें डाला है किचन किंग मसाला, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो इसकी जगह गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है। फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आप ध्यान रखें नमक हमने चावलों को बॉईल करते वक्त भी डाला था इसलिए यहाँ पर ध्यान से ही डालें। और साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून नींबू का रस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि जो चाप है वो बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो सके। और अब आप देख सकते हैं चाप कितनी बढ़िया तरीके से मैरिनेट हुई है। जिस तरह मैंने आपको मसाले बताए हैं और जो सब्जियां बताई हैं अगर आप उसी रेशियो में डालेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी भी बिरयानी उतनी ही अच्छी बनेगी जितनी कि मेरी बनी थी। तो चलिए चाप तो मैरिनेट हो गई है, इसे ढककर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए चाप तो मैरिनेट हो गई है, अब चलते हैं मेन स्टेप की तरफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिट्टी की हांडी में कैसे बिरयानी बनाएं वो सिखाने वाली हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की हांडी ली है, पहले उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और साथ ही में डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी। मैंने यहाँ पर गाय के घी का इस्तेमाल करा है, आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं। और तेल और घी को इस तरह अच्छी तरह मिला देंगे। और इस वक्त ध्यान रखें अगर आप मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो फ्लेम बिल्कुल भी ऑन ना करें। और जैसे ही तेल चारों तरफ लग जाए अब आप फ्लेम को ऑन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं तेल अच्छी तरह गर्म हो गया, तो इसमें डाल देते हैं साबुत जीरा, 2 तेज पत्ता और जीरा को अच्छी तरह भुनने देंगे। और जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाए इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। ध्यान रहे हम इसमें बरिस्ता भी डालने वाले हैं लेकिन ये जो बारीक कटा हुआ प्याज डाला है वो ग्रेवी बनाने के लिए है। तो प्याज को अच्छी तरह डार्क ब्राउन होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह पक चुका है, अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्ची, मोटी मोटी काट कर ही डाली है मैंने। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो पेस्ट की जगह इसे दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं, उससे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे प्याज के साथ ताकि जो उसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसमें डाल देंगे टमाटर बारीक कटा हुआ। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे जिसे मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। और जैसे ही डालेंगे टमाटर साथ ही में डाल देंगे नमक, लेकिन ध्यान रखें इस वक्त नमक बहुत ही कम डालें क्योंकि हम नमक का इस्तेमाल पहले भी मैरिनेशन में और चावलों को बॉईल करते वक्त कर चुके हैं, इसलिए मैं स्टेज पर सिर्फ 1 टीस्पून डाल रही हूँ ताकि जो टमाटर और प्याज है वो जल्दी पक सके। और आप देख सकते हैं स्टेज पर मैंने और कोई मसाला नहीं डाला है क्योंकि सारे मसाले हम मैरिनेशन में डाल चुके हैं, इसलिए इस वक्त हांडी को ढककर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं, काफ़ी बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार है। तो मसाला तो तैयार है, अब डाल देते हैं चाप जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। और चाप डाली है तो इसकी भुनाई तो बनती है, इसलिए इसे अच्छी तरह लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे।
और इसे अच्छी तरह भूनना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो चाप है उसका फ्लेवर जो है ना एनहांस हो पाएगा और बिरयानी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो चलिए, चाप तो अच्छी तरह भुन चुकी है, इसे ढककर रख देते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमने मैरिनेशन में दही और मसाले डाले थे वो अच्छी तरह भुन जाएं, पक जाएं, ताकि जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया है। और 2 मिनट बाद लिड हटाकर चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से जो हमारी चाप है वो पक चुकी है, ऑयल एकदम सेपरेट हो गया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और जो रंगत आई है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो बस अब इस स्टेज पर डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/4 कप पानी ही डाला है और एक बार अच्छी तरह स्टर कर देंगे और इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर रखेंगे, ताकि जो चाप है वो बढ़िया तरीके से पक जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना लगे खाते वक्त। तो 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं अब जो चाप है वो बढ़िया तरीके से पक गई है, काफ़ी बढ़िया ग्रेवी बनी है साथ में। तो अब हमें करनी होगी बिरयानी की लेयरिंग, तो उसके लिए जो चाप है ना वो मैंने थोड़ी सी निकाल ली है, ताकि जो सेकंड लेयर हम बनाएंगे उसमें डाल सकें। तो चलिए अब लेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए हैं पहले, सो आराम से 3 से 4 कड़छी मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए हैं पहली लेयर में और इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे इस तरह। और जैसे ही लेयर सेट हो गई है इसमें डाल देंगे खुशबू बढ़ाने के लिए देसी घी। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 टीस्पून देसी घी डाल दिया है स्टेज पर। देसी घी मुझे तो बिरयानी में बहुत ही अच्छा लगता है, आपको कैसे लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, साथ ही साथ में मैंने इसमें डाल दिया केसर वाला दूध और साथ ही में डाल दिए चाप जो हमने निकाली थी ना पहले, वही मैंने यहाँ पर डाली है। ऐसा करने से बिरयानी में जो फ्लेवर है ना वो हर बाइट में आता है। अगर आप सारी चाप नीचे ही डाल देंगे तो ऊपर के जो चावल हैं वो थोड़े फीके फीके रह जाते हैं। चाप डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे बरस्ता जो हमने फ्राई करके रखा था। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा बरस्ता डाल दिया है और बरस्ता डालने के बाद फिर से लेयरिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से 3 से 4 कड़छी चावल डाल दिए हैं। बेसिकली जितने भी चावल बचे थे ना वो मैंने सारे ही स्टेज पर डाल दिए हैं। इसे भी अच्छी तरह टैप करते हुए सेट कर लेंगे और आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से सेट हो गए हैं। और फिर से वो जो घी बचा था ना, 1 टीस्पून और बचा था, मैंने वही डाल दिया है और साथ ही में डाल देंगे बचा हुआ केसर वाला दूध, थोड़ा सा बरिस्ता और साथ ही में डाल देंगे खुशबू बढ़ाने के लिए हैंडफुल ऑफ बारीक कटा हुआ हरा धनिया एंड पुदीना। तो चलिए, सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमने डाल दिए हैं, सारी लेयरिंग हो चुकी है, अब इसे दम देना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉइल पेपर लिया है, उसे इस तरह अच्छी तरह लगा देंगे हांडी पे और अच्छी तरह लगाने के बाद इसे ढक्कन से ढक देंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देकर मैंने इसे ढका है, ताकि जो दम है वो बिरयानी में अच्छी तरह लग सके, तभी तो खाने में मज़ा आएगा ना। और अब हांडी को लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो हमारी बिरयानी है वो पूरी तरह पक जाए। ये हांडी में नहीं बना रहे हैं, किसी और बर्तन में बना रहे हैं, तो नीचे तवा रखें एंड फिर उसके ऊपर वो बर्तन रखें। सो 15 मिनट हो चुके हैं, फॉइल पेपर हटाकर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है मुझसे और आप देख सकते हैं बिरयानी बढ़िया तरीके से पक चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और वैसे भी सोया चाप बिरयानी तो मेरी फेवरेट है, आपकी कौन सी फेवरेट है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए, बिरयानी तो बन चुकी है, इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं रायते या फिर सालन के साथ। ये खाने में बहुत ही अच्छी बनी थी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं या फिर टैग कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब से जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली आने वाली हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ आपसे इसी तरह एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।